वही वही करता है, लेकिन उसका इलाज करना होगा। इलाज बस करवाते हैं हमने। हाँ, के काम पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। बराबर बोली चल रही है। हाँ, ये तरफा। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, आप मेरे साथ देख रहे हैं अनकट। और आज हम फिर बात करते हैं मुख्तार अंसारी की, क्योंकि पंजाब से लेकर यूपी तक तो उन्हीं के नाम की डंका बज रही है। और इस बार हम बात कर रहे हैं उनके एक ऑडियो क्लिप की। ये एक फ़ोन कॉल है जब मुख्तार अंसारी जेल में थे और उनका शार्प शूटर यानी उनका करीबी सहयोगी मुन्ना बजरंगी, इन दोनों के बीच बातचीत हो रही है। और बातचीत का संदर्भ बताऊं, उससे पहले एक बात बताना बेहद ज़रूरी है कि ये बातचीत है 2006 22 मार्च की, और 2005 के नवंबर में बीजेपी के विधायक जो है मोहम्मदाबाद से कृष्णानंद राय, उनकी हत्या हो जाती है। उन पर एक नहीं सैकड़ों गोलियां चलती हैं उनके साथियों पर, और इस हत्या का आरोप लगता है मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी पर। मुन्ना बजरंगी अब नहीं है, क्योंकि 2018 में बागपत की जेल में उसकी भी हत्या वैसे ही हो गई जैसे कृष्णानंद राय की। और सोचिए तो सही, हत्या कैसे हुई जेल के अंदर, जिस जेल को महफूज माना जाता है। उसे 10 गोलियां उसके सर में मारी गई, और यही मुन्ना बजरंगी उस वक्त घटना के बाद फरार हो गया था। मुख्तार अंसारी जेल में थे और इन दोनों के बीच बातचीत हो रही है। और बातचीत में एक बात यह भी है कि कहा जा रहा है कि किसी एक को पटक दूंगा एक महीने बाद। तो इस ऑडियो अभी जा करके सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जब मुख्तार अंसारी की घर वापसी हो रही है पंजाब से यूपी। आप बता दें यार, बिल्कुल ठीक है, बात तो ठीक है, तो दुनिया ठीक है भैया। एक बात बस करते ना। हाँ भैया, फोन ना हो। हम कहाँ करो थे भैया, लास्ट से पहली बार तो आप फोन किए हैं। हमने ना। हाँ, हमको तो तुम पहली बार किए हो, पूरे हिंदुस्तान में तुमने महीनों से किया। किसी से नहीं किया, एक बार मंसूर से बात किया, उसके बाद कहीं किसी से बात किया, 3 महीने तो बात नहीं किया हम किससे। अरे बदमाश, हमें पता है जो मैं तुमने किया था। 3 महीना भैया मैं किसी से कोई बात नहीं किया हूँ। पता पता हमें लगा लो सर भैया, 3 महीना लगातार हम बात नहीं किया। और एकदम बढ़िया भैया, आप ठीक है भैया? अप्रैल में ठीक भैया छूट जाएगा। बहुत अच्छा भैया, हमें यही इंतजार है भैया। एक डेढ़ महीने में पटक दूंगा। कुछ नहीं, जीजा जी के जल्दी बहुत उनका हमें बहुत दुख है भैया। हाँ, उनके में टाइम लगेगा साल भर। उनके लिए भैया मगर राजनीति कहीं सो ही है भैया। बहुत 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 उनके लिए राजनीति पक्का है भैया, उसको पता करो कहाँ से है। मुटका की है, मुटका की क्लियर हो गया है। मुटका मतलब भैया? वही तुम्हारा शिकार था। अच्छा, और जनरल ना पाइए तब सब कुछ देख लो भैया। मैं कहाँ का जितना टेंडर है सब मतलब ले लो अपने के। कहाँ जौनपुर का भी वो सब नहीं, हम टेंडर हर भी समझते हो भैया। हाँ तो टेंडर का और जो बचा है वही कर लेंगे, अभी हम बताए नहीं। लेट हो रहा है, आने जाने आने पहले सब हो जाना चाहिए भैया। कब तक होगा? आप जो है क्या करना है फर्चर में मैसेज सब हम कर लेंगे भैया। सब हो जाएगा, बस खाली फोन हम तुम्हें एकदम सेपरेट दे दे। नहीं अभी नहीं भैया, जब मांगेगा अभी एक फोन तो नहीं करता ही। हमसे भेज के लेना, हम खत में सटा के भेज देंगे। हाँ अच्छा, हाँ आज पिलानी आपको पिलानी वहाँ क्या भैया दारू वाला ना? हाँ वो हमारा है। आप हो गया? हाँ। अरे उसको टाइट करने में पापा ने क्या कब किए थे? अरे अभी करीब 3-4 बजे आज। हाँ वो मतलब वो डीसी बुर्सर क्या 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 और हम कैसे बात किए मालूम भैया? हमने बोला सिन्हा जी बात करेंगे। हाँ, हम कहा सिन्हा जी मतलब समझ गया, पहले तो वही आदमी डाल ना। हाँ हम समझ रहे, उसी का है। हाँ मतलब हम कहा सिन्हा जी बात करता था फोन पे। हाँ तब फोन पे आज हम नाम बताया तो फर्क फट के दूसरे दे दिया। हाँ वो वही वही करता है, लेकिन उसका इलाज करना होगा। इलाज बस करवाते हैं हमने। हाँ मत आप वहीं से इलाज उसका कुछ करना है। हम भी 2-3 बार उसको काम के लिए कर रहे हैं। हाँ तो वो हाँ कह के भाग जा रहा। हाँ एक दूसरी ऑडियो क्लिप की भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। ये ऑडियो क्लिप जो है इसमें बातचीत हो रही है बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी
और पहले समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं ये फैजाबाद से, और मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी माने जाते हैं। किसी जमाने में क्या आज भी वो भी डॉन माने जाते हैं, उनका नाम है अभय सिंह। तो अभय और मुख्तार के बेहद करीबी रिश्ते हैं और इन दोनों के बीच बातचीत हो रही है। इन दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है वो बीजेपी के जो विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी उसको लेकर के, जिसमें कह रहे हैं ये दोनों बात कह रहे हैं कि उसकी गोली से मारने के बाद कृष्णानंद राय की चुटिया भी काट ली गई थी, पीछे जो चोटी रखते हैं ना, तो ये जिक्र हो रहा है कि उसकी चुटिया भी काट ली थी। इन दोनों ऑडियो क्लिप को सुनिए तो समझ में आएगा कि उस वक्त कैसे जेल के अंदर रह करके खुलेआम हत्या करवाए जाते थे, जैसा आरोप है यूपी पुलिस का और सीबीआई का मुख्तार अंसारी पर। बदमाशी किया है, सब छोड़ो, अभी यहाँ पर वो हो गया, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है, मुन्ना बजरंगी और कृष्ण राय में। ये सुनने में आया है। अच्छा, कहाँ पे? कृष्ण राय के गाँव पर, दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा है। बराबर गोली चल रही है। हाँ, ये तरफा जय श्री राम। अच्छा, हेलो। हाँ हाँ, ठीक है, मुट्ठी में। ठीक है, ठीक है, बात होगी।